राइट डाउन हेडिंग लिखो, सम ऑफ, राइट डाउन सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालते हैं इस पर हमें डिस्कशन करना है। तो लेट से एस एन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम एस एन से डिनोट करते हैं। तो जीपी के फर्स्ट एन टर्म कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और nth टर्म क्या होता है, इससे पहले ए आर डी पावर एन माइनस टू कर देते हैं प्लस ए आर डी पावर एन एन माइनस वन। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, देखो याद करो, टी एन का फॉर्मूला जो जीपी में ए आर डी पावर एन माइनस वन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका सम कैसे निकालते हैं ये देखना है, सब निकालने का तरीका क्या होगा। क्या करते हैं कि ये जो सम दिया हुआ है इसमें जो कॉमन रेशियो है इस आर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते, तो आर टाइम एस एन, तो दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा कि इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर, और इसको इसके नीचे पुट अप कर देंगे, इसके नीचे प्लस इसमें आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, तो इसको इसके नीचे प्लस ए आर क्यूब प्लस 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 ए आर डी पावर एन माइनस टू प्लस ए आर डी पावर एन माइनस वन। ऐसे ही जब इसमें मल्टीप्लाई होगा आर तो क्या हो जाएगा, ए आर डी पावर एन हो जाएगा। इसमें जब आर से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये आ जाएगा, इसमें जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर डी पावर एन, ऐसा हो गया। अब सबट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से ये सबट्रैक्ट करें, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, जब इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो ए में से जीरो सबट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा माइनस, ये इसमें से ये सबट्रैक्ट होगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, ए आर टू पावर एन, ए आर टू पावर एन आ जाएगा ना। यहाँ पे एस एन कॉमन ले लीजिए, एस एन वन माइनस आर, और यहाँ पे ए कॉमन ले लीजिए वन माइनस आर टू पावर एन, ऐसा। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स वन माइनस आर टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। तो ये जो है ये एक फॉर्मूला बन गया, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। कई बार इसी चीज को, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपको बता दूं, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स वन माइनस आर टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर है। अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, और वो ऐसा है, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर टू पावर एन माइनस वन अपॉन अपॉन आर माइनस वन, ये लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो, देखो ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर माइनस वन और ये आ जाएगा। ज्यादातर हम ये तब प्रयोग करते हैं जब आर की वैल्यू जो है वो वन से कम हो, आर की वैल्यू वन से कम हो, और ये जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। लेकिन यदि आर वन हो गया तो बताओ ये प्रयोग कर सकते हैं, यदि आर वन हो गया तो कहोगे कि आर वन हो गया तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन व्हेन आर इज इक्वल टू वन, व्हेन आर इज इक्वल टू वन, जब आर वन हो जाएगा तो एस एन क्या हो जाएगा बताओ, यदि आर वन हो गया तो सब जितने भी आर है सब जगह वन रख दो, तो एस एन क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस एंड सो ऑन, कितने टाइम्स है, एन टाइम्स, तो एन ए। तो उस समय आर यदि वन है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका सम नॉट डिफाइन आएगा, आर जब
वन है तो उस समय कहेंगे कि एस एन का वैल्यू हो जाएगा एन ऑफ ए। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करो फटाफट इसका, है ना। सो सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20, और 20 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्व दिस क्वेश्चन, द सम ऑफ 100 टर्म ऑफ द सीरीज दिस। आया है सर। ना आया बताओ। सर 1 - 1/10 रेस टू 100। अच्छा सी पार्ट आया है मतलब। नहीं नहीं हाँ सर, सर एक पार्ट आया। कौन सा, ए पार्ट? हाँ अच्छा ए पार्ट आया, चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, करने का तरीका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो गए तो बस। हाँ सर, मेरा जूम नहीं खुल रहा था। ओके, हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला। नोट इट डाउन, दोनों फॉर्मूले। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ 100 टर्म ऑफ द सीरीज, तो S100 क्या कैसे लिखेंगे? S100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो इसको 9/10 लिख सकते हैं, प्लस 9/100 लिख सकते हैं, प्लस 9/1000, और ऐसे चलता रहेगा, 9/100 एंड सो ऑन। ठीक है, बाय द वे यदि 10 की पावर में देखा जाए S100, तो ये क्या होगा, इसमें 100 टर्म्स है, तो 9/10 प्लस ये कितना होगा, 9/10² प्लस 9/10³, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो 100 टर्म क्या होगा, देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड टर्म, ऐसे 100 टर्म, 9/10³, ऐसा हो जाएगा, ये S100 हो गया। अब क्या करते हैं, प्रोसेस में क्या आता है कि जो कॉमन रेशियो है, तो कॉमन रेशियो तुम्हें समझ आ रहा है क्या? और देखो ध्यान से, इसको इससे डिवाइड कर दे तो कॉमन रेशियो है 1/10। यही समझ आ रहा है कि नहीं समझा? कॉमन रेशियो 1/10 है, तो सबको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो S100 1/10 आ जाएगा। इसको 10 से मल्टी 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9/10² प्लस इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई करें तो 9/10³, और ऐसे चलते चलते फिर 9/, देखो 10^100, और प्लस यहाँ पे 9/10 की पावर, 1/10, 10^101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा इस तरह से। और बस क्या करेंगे, इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें से यदि ये सबट्रैक्ट करें, S100 - S100/10 इज इक्वल टू, इसमें से ये सबट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, देखो 9/10 माइनस सब सबट्रैक्ट करें तो ये क्या, 9/, ये सब कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस करेंगे तो देखो ये सब इसमें से ये कट हो जाएंगे, माइनस 9/10^101 इस तरह से आ गया। Now, if you wish, you can have 9/10 as common, और ये कितना आ जाएगा, 1 - 1/10^100 ऐसे लिख सकते हैं। तो और यहाँ पे S100 कॉमन ले लेते हैं, 1 - 1/10 इज इक्वल टू 9/10 1 - 1/10^100 ऐसा।
तो S100 कितना हो जाएगा? S100 इज इक्वल टू 9/10, 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 100 अपॉन 1 माइनस 1/10, ये आ जाएगा और यही आंसर है। आप चाहे तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, यू कैन सिंपलीफाई इट एज वेल। तो सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो क्या ये भी तो 9/10 है, तो ये 9/10 है और ये 9/10 है, ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 100, ये आंसर आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 100। यहाँ पे हमने ये प्रोसेस अप्लाई कर दिया जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्मूला निकालने के लिए किया था। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे यदि हमें फॉर्मूला निकालना है S100 का, फॉर्मूला क्या था बताओ, ए टाइम्स, देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आर इसका 1/10 है, आर 1 से कम है, आर 1 से कम है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए टाइम्स 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा, ए ए टाइम्स 1 माइनस आर की पावर 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 टर्म्स है, अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो इसमें ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, देखो 0.9 है, तो 0.9 फर्स्ट टर्म हो गया है ना, 1 माइनस, और आर आ गया था 1/10, तो 1/10 की पावर 100 अपॉन 1 माइनस आर इज 1/10। तो अब आप देख सकते हो कि 1 माइनस 1/10 ये और ये कट हो जाएगा और क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 100। तो ऐसे आप फॉर्मूले को दो लाइन में कर सकते हो आंसर इसको, क्या इतनी बात समझ आए? बट मैंने यहाँ पे इसलिए कर दिया ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए कि कैसे हो रहा है ये, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। जैसे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, एन इज इक्वल टू 1 to n un, इफ un इज इक्वल टू समेशन n इज मूविंग फ्रॉम 0 to n 1 upon 2 to power n। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इसमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको निकालना है समेशन समेशन ऑफ यू एन एन वेयर एन इज मूविंग फ्रॉम 1 to n। सो बेटर है कि इसको ऐसे लिखें, इसको मैं आर लिख देता हूँ, वेरी सिमिलर, ज्यादा अच्छा रहेगा। आर इज मूविंग फ्रॉम 1 to n और यू आर की वैल्यू निकालना है, ये पूछा गया, इसकी वैल्यू क्या होगी। और जबकि इसमें यू एन जो है, यू एन यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, जैसे ये आर ये 0 से लेके n तक 1 upon 2 to the power r है, ऐसा ऐसा गिवेन है, यू एन जो है यू एन इस तरह से गिवेन है। सो बाय द वे यू एन है क्या, बाय द वे देखो ध्यान से, जब आर 0 रखेंगे तो ये आर जब 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 to the power 0, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस, फिर आर को 1 रखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 1 upon 2 square, फिर 3 रखेंगे 2 cube, प्लस 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 प्लस, और कहाँ तक जाएगा, आर जब एन रखेंगे तो 1 upon 2 to the power n हो जाएगा। तो ये है यू एन, तो यदि यू एन का वैल्यू निकालना है, या तो मैं फॉर्मूला लगा दूं n+1, बेटर है कि मैं जो कॉमन रेशियो है ना उससे ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो यू एन बाई टू, 1/2 कॉमन रेशियो, तो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 हो जाएगा।
जैसे 1/2 का मल्टीप्लाई होता 1/2 स्क्वायर, ऐसे 1/2 क्यूब, और होगा क्या 1/, देखो इसके नीचे सेम नंबर आ जाएगा 2 की पावर n, लेकिन इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना 1/2 का, तो 1/2 की पावर n+1 हो जाएगा। अब इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दें तो un - un/2 कितना हो जाएगा, देखो इसमें से ये सबट्रैक्ट होगा तो सब माइनस होगा तो ये सब कट हो जाएगा, और क्या बचेगा 1 - 0 = 1 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर n+1 आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन। तो un में से हाफ चला गया तो un/2 आ जाएगा, और ये 1 - 1/2 to the power n+1। तो un आ क्या गया बाय द वे, un इज 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 - 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1/2 की पावर n आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर n और वो कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा un, कॉल दिस वी 1। तो un आ गया, तो अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये है क्या बाय द वे, समेशन r इज मूविंग फ्रॉम 1 टू n u r लिख देता हूं। देखो un ये गिवन है तो ur क्या हो जाएगा, देखो ur n की जगह r पुट कर दो, 2 - 1/2 to the power r, वेयर r इज मूविंग फ्रॉम 1 टू n। तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, यू कैन ब्रेक इट इन टू पार्ट्स, दिस इज समेशन टू r is moving from 1 to n minus summation 1/2 to the power r, r is moving from 1 to n, ऐसा ठीक है। और ये देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट r 1 होगा तो ये कितना 2, जब r 2 होगा तो 2, ऐसे हर बार 2 2 हो जाएगा, कितनी बार होगा ये n times होगा, क्योंकि r 1 से n तक जा रहा है माइनस, लेकिन ये क्या बन जाएगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जैसे 1/r1 रखेंगे तो 1/2 + 1/2² + 1/2³, ऐसे कहां तक जाएगा, r कितना है n तक जाएगा ना, तो 1/2 की पावर n, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये 2n हो जाएगा, 2n माइनस, ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, कॉमन रेशियो 1/2। अब वो फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, a टाइम्स 1 - r की पावर n / 1 - r, ये तब जब r लेस देन 1 हो, तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं, तो कितना आएगा यदि हम अप्लाई करें यहाँ पे फॉर्मूला, तो a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है बताओ 1/2 और 1 - r है 1/2 की होल पावर n, और अपॉन कितना हो जाएगा 1 - r = 1/2, ऐसा। तो अब आप देखो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया इसका, और ये देखो ये कट हो जाएगा ना, दिस में ये सेम 1 - 1/2 = 1/2, और ये कितना हो जाएगा 2n - 1 - 1 + 1/2 का होल पावर n, दैट इज 1/2 की पावर n। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये आंसर हो गया, मतलब 2n - 1 + 1/2 की पावर n, एंड दिस इज द आंसर। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 terms of the series 3, 6, 12, 24 and so on, first 10 terms का सम बताना है कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 3069, ओके चलो चेक कर लेते हैं इसका क्या करेंगे। देखो इसमें फर्स्ट टर्म तो मिल गया, फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, और कॉमन रेशियो कितना है, इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा,
6 को 3 से डिवाइड 2 और n कितना है 10। तो अब फॉर्मूला